पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार देर शाम जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में रंजन गोगोई का करीब 13 महीने का कार्यकाल काफी अहम रहा। इस दौरान उन्होंने कुल 47 फैसले सुनाए, जिनमें राम मंदिर, असम में NRC लागू करवाना और राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में केंद्र सरकार को क्लीन चिट जैसे कई अहम और ऐतिहासिक फैसले भी शामिल हैं। जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट से 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे। उन्होंने 2001 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में अपना करियर शुरू किया था। हालांकि जस्टिस गोगोई तब विवादों में भी आए जब उनके CGI रहते हुए उन पर सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी ने अक्टूबर 2018 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।